हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा। आपका सीमा सीक्रेट रेसिपी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हरी साग की रेसिपी, जिसे सरसों का साग भी बोला जाता है। इससे पहले भी मैंने हरी साग की रेसिपी डाली है, उसे मैंने घोट के बनाया था, लेकिन आज जो मैं हरा साग बनाने वाली हूँ उसे मैं मिक्सी में पीस कर बनाऊंगी। और इसमें मैं मेथी दाने का छोंक लगाऊंगी और इसमें मैं मटर डालूंगी। तो आज मैं मटर वाला हरा साग बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं मटर वाला साग बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसमें मैंने सबसे ज़्यादा बथुआ लिया है, आधा जूटी मैंने पालक की ली है, आधी से कम जूटी मैंने यहाँ पे सरसों की ली है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे मेथी ली है। इसमें ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं आप इसे स्किप कर सकते, लेकिन आपको ज़्यादा मेथी यूज़ इसमें नहीं करनी है, नहीं तो आपका जो साग है वो कड़वा हो जाएगा। साग के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरी पहली वीडियो है साग वाली उसमें मैंने आपको दे दी है। तो अब इन पाँचों को मैंने यहाँ पर एक पतीला लिया है, अब मैं ये सारा इसमें डाल दूंगी साग। बथुआ डालने से हमारा जो साग है वो काफ़ी चिकना बनता है। तो मैं इसे धो लेती हूँ। साग को मैंने अच्छे से धो लिया है, इसे मैंने 3 बार पानी से धोया है क्योंकि इसमें ज़्यादा मिट्टी होती है। अगर हम इसे 1-2 बार पानी से निकालेंगे तो उसमें खाने में हमारे में किरकिराहट आ सकती है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसमें नमक हम ऐड नहीं करेंगे। तो हमें इसे घोटना नहीं है क्योंकि इसे मैं मिक्सी में पीस कर बनाऊँगी। तो अब मैं इसे पकने के लिए रख देती हूँ। तो मैं गैस के फ्लेम को ऑन कर देती हूँ, हम इसे ढक देंगे। हम इसे शुरू में 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और हम इसे बिल्कुल गलने तक अच्छे से पकाएंगे। मेथी के छोंक वाला ये जो हरा साग है ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, साग काफ़ी नीचे बैठ गया है पकने के बाद। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं, इस साग को हम गलने तक अच्छे से पकाएंगे। सेम वही प्रोसीजर मैं इसमें यूज़ करूँगी जो मैंने पहले हरे साग में यूज़ किया था। आप अगर हरे साग को पीस कर बना रहे हैं तो आप उसे मोटा मोटा काट सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसे घोट कर बनाना है तो आपको उसे बिल्कुल बारीक काटना होगा। सर्दियाँ शुरू हो चुकी है और हरा साग जो है वो सर्दियों में ही अच्छा लगता है खाने में। अगर आप खाली पालक का बनाओगे तो इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाते हैं। ये देखिए, हमारा साग अच्छे से पक चुका है, अब मैं इसे प्लेट में निकालती हूँ। तो मैं इसे थोड़ा फैला देती हूँ ठंडा होने के लिए, इसे ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये देखिए, हमारा जो साग है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसी में ज़्यादा नहीं पीसूंगी, बिल्कुल ज़रा सा पीसूंगी। तो पीसने के लिए मैंने यहाँ पे एक जार लिया, तो मैं साग को इस जार में डाल देती हूँ। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून बेसन डाल दूँगी, ज़रा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी। नमक हम इसमें भी नहीं डालेंगे, जब हम छोंक लगाएंगे तब हम इसमें नमक डालेंगे। और मैं इसे अब पीस लेती हूँ। तो ये देखिए, साग को मैंने पीस लिया है। देखिए साग का टेक्सचर, मैंने इसे ज़्यादा नहीं पीसा है, मैंने इसे थोड़ा मोटा ही रखा है। बिल्कुल बारीक आप इसे मत कीजिए, नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो छोंक लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 प्याज, 2 टमाटर, अदरक लहसुन की कलियाँ और 3 हरी मिर्च। अदरक लहसुन और हरी मिर्च हरी साग में ज़्यादा डलती है, अगर आप कम डालना चाहें तो कम डाल सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। 1/4 के करीब मैंने यहाँ पर मटर ली है, आप फ्रोजन या फ्रेश कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। हरे साग में देसी घी का ही छोंक लगाया जाता है। 1/4 के करीब मैंने यहाँ पे मेथी दाना लिया है, यहाँ पर एक जार लिया है। अब मैं इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को मैं तोड़ के डाल देती हूँ। टमाटर, तो अब मैं इसे पीस लेती हूँ। ये टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को मैंने पीस लिया है, देखिए। तो चलिए अब हम इसमें छोंक लगाते हैं। छोंक लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है, मैं गैस को ऑन कर, अब हम इस कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देते हैं। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी, इसमें घी डाल देंगे। अगर आप इसमें घी की जगह बटर का यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट घी से आता है वो बटर से नहीं आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप देसी घी का ही यूज़ करें। अगर आप इसमें घी या बटर नहीं डालना चाहते तो आप इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन आप इसमें सरसों तेल का यूज़ मत कीजिए। घी है वो मेल्ट हो चुका है, मेथी दाना डालेंगे और गैस की फ्लेम को हम थोड़ा मीडियम कर देंगे ताकि हमारा जो मेथी दाना वो अच्छे से पक जाए। आप हमें इसे एक बार हिला देते हैं। हमें इसे मेथी दाने का छोंक लगाना है, इसमें हमें जीरे का छोंक नहीं लगाना है। इस दाना अच्छे से भुन चुका, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। साग या सरसों का साग जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें हींग, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाले का यूज़ नहीं करना होता है। ये जो साग है ये ऐसे ही काफ़ी टेस्टी लगता है, तो इसमें इतने मसालों की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ मेन यही होता है, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, इनसे ही इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे प्याज को। वैसे आपने कभी हरे साग में मटर डाल के नहीं बनाया होगा, लेकिन आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। ये थोड़ा यूनिक सा है और खाने में इसका टेस्ट लाजवाब होता है, बच्चों को ये ज़रूर पसंद आए। प्याज है वो अच्छे से भून चुकी है, हम इसमें टमाटर का जो हमने पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। तो देखिए, मैं डाल देती हूँ। टमाटर और प्याज को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है,
तो इसे हम 1.5-2 मिनट के लिए अच्छे से पकने देते हैं। अब इसे 1.5-2 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो चना हम हटाएंगे, टमाटर का पेस्ट अब अच्छे से पक चुका है। देखो अब हम इसमें मटर डालेंगे, देखिए मटर डाल देते हैं, फिर हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अगर आप फ्रोजन मटर ले रहे हो तो इसे हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर इसमें फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हो तो आप इसे 1 मिनट के लिए पकाएं। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। नमक हमें साग में कम ही यूज़ करना है, वो इसलिए क्योंकि तो कई बार हमारा जो साग है वो बच जाता है, तो फिर अगर हम उसे अगले दिन खाते हैं तो फिर वो नमक ज़्यादा हो जाता है। तो मसाला अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें पालक का जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे। हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें हमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो साग जो है वो ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो अब मैंने लिड लगा दी है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए, इससे पहले भी जो मैंने साग बनाया था उसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब था। आप चाहे तो इसमें ऊपर से थोड़ा घी डाल सकते हैं। हमारा जो साग वो बिल्कुल तैयार है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसे मैं आपको हमारा जो मटर का और मेथी के छोंक वाला साग है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, जितना ये दिखने में टेस्टी लग रहा है उतना ही ये खाने में भी टेस्टी है। इसके ऊपर हमें और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मिर्च या लहसुन का छोंक हम जो लगाते हैं। आप इस साग को बाजरे की खिचड़ी, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी किसी के साथ भी इसे आप खा सकते हैं। ये प्लेन चावल के साथ भी काफ़ी टेस्टी लगता है हरा साग, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए सिंपल चावलों के साथ। तो अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है या अगर आपको मुझे कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल आइकन है उसे हिट करना ना भूलें, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।